आज हम लोग देखने वाले हैं एक क्विक सैंडविच की रेसिपी जो कि बच्चे को बहुत ही पसंद आएगी। टिफिन में या फिर आप कहीं पे भी इवनिंग के स्नैक्स के तरीके पे भी आप ये रेसिपी बना के बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चे बड़े सब लोग इसे पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने लिया है श्रेडेड कैबेज, एक कैप्सिकम लिया है जिसे मैंने बारीक चॉप करके रखा है, ऑनियन लिया है, ये ग्रेटेड चीज़ है। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी नॉर्मल प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये ऑरिगेनो मिक्स यूज़ कर रही हूँ जिसके जैसे ये मिक्स्ड हर्ब्स है और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मसाला भी एडेड है। नॉर का पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस में यूज़ कर रही हूँ स्टफिंग बनाने के लिए। चिली फ्लेक्स यूज़ करेंगे हम लोग और अभी ऑफकोर्स ब्रेड के स्लाइसेस। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं स्टफिंग। स्टफिंग के लिए मैं ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे ली हुई है वो मिक्स कर देती हूँ। चीज़ को बाजू में रख देते हैं। कैबेज, ऑनियन, आपके पास अगर उबले हुए कॉर्न है तो आप वो कॉर्न भी डाल सकते हैं। अगर घर पे हैलापिनोज अवेलेबल है तो हैलापिनोज डाल सकते हैं। आपको जो चीज़ें जो पिज़्ज़ा के लिए जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आप वो सारी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नॉर का सॉस, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून इतना जाएगा। ऑरिगानो मिक्स डाल देते हैं इसमें, तकरीबन 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स आपके टेस्ट के हिसाब से डालिएगा बिकॉज बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करेंगे और पिज़्ज़ा सॉस काफ़ी तीखा होता है। और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे बिकॉज पिज़्ज़ा सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट है। अभी इसे मिक्स करेंगे हम लोग अच्छे से, ये स्टफिंग। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुका है। ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर मैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप टमाटर सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल किया है। आप मार्केट में बहुत सारे सॉसेस अवेलेबल होते हैं, आप उसमें से कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शेज़वान सॉस है, हरीसा है, मेयोनीज़ का कोई भी, तंदूरी मेयोनीज़ या फिर कुछ भी जो आपको आपके बच्चे जो पसंद करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अलग अलग स्टफिंग्स बना के आप अलग अलग सॉसेस के साथ बहुत सारी अलग अलग सैंडविचेस बना सकते हैं। ये स्टफिंग इसके बीच में, जो चीज़ है ग्रेटेड ये हम लोग डालेंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम लोग ये जो पिज़्ज़ा मिक्स था ये वो, ताकि इससे अच्छे से टेस्ट आए। ये स्लाइस जो है हम लोग इसके ऊपर रख देंगे। वैसे ही मैं अभी दूसरी बना लेती हूँ सैंडविच। यहाँ पे मैं घी लगा रही हूँ, आप चाहिए तो बटर भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। ये हम लोग तवा रोस्ट करेंगे, इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पे सेक रहे हैं। ये तो एक साइड अच्छे से सेक चुका होगा, तो अभी इसे पलटते हैं और दूसरी साइड पे इसको दूसरे साइड से भी सेक लेते हैं। वाव, एकदम क्रिस्पी वाला लुक। सो हमारे सैंडविचेस दोनों साइड से अच्छे से सेक चुके हैं। अभी मैं इसे गैस बंद कर देती हूँ और हमारे सैंडविचेस रेडी है। आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे कि कितने क्रिस्पी है ये।
ये देखिए। ओके सो हमारे पिज़्ज़ा सैंडविचेस आर रेडी।